हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सादियास कुकिंग चैनल। आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आज हम बड़े बैंगन का ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए सारे मसालों को पहले भून के रख लिया है मैंने। धनिया, जीरा, सूखा नारियल, बादाम, मूंगफली, काजू, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, इलायची दो, एक टमाटर, सारी चीज़ों को अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। थोड़े पाउडर मसाले ऐड करेंगे, फर्स्ट सॉल्ट ऐड करेंगे, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन मसाला, बड़े साइज के बैंगन को ले रही हूँ और हरी मिर्च को भी ले रही हूँ। इनको कट करके नमक के पानी में डालेंगे। मैंने सारे कट कर लिया है, हरी मिर्च में बीज निकाल लिया है। इसके अंदर जो पिसा हुआ मसाला है उसको स्टफ करेंगे। पैन हीट होने के बाद इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। बैंगन और हरी मिर्च को फ्राई कर लेंगे। ब्राउन कलर आने तक फ्राई कीजिए। हमारे बैंगन और हरी मिर्च ब्राउन कलर आ चुके हैं, साइड पे निकाल लेंगे। दूसरा पैन लेंगे, इसके अंदर फिर से ऑयल ऐड करेंगे। हरी मिर्च एक मीडियम साइज की प्याज को कट कर लेंगे और एक प्याज को ग्रेट कर लेंगे। एक उबला आलू ऐड करेंगे। प्याज मिक्स करते हुए पकाइए, आलू को स्मैश कर दीजिए। लाइट ब्राउन कलर आ चुका है, आलू को मैंने अच्छे से स्मैश कर लिया है। आलू को स्मैश करने से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जो पिसा हुआ मसाला है उसको भी ऐड कर देंगे। मैंने जार को खंगाल के थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकाएंगे। फ्राई किए हुए हरी मिर्च और बैंगन को ऐड करेंगे। बैंगन ऐड करने के बाद इसको भी हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट पकाया है। इमली का पल्प 4 टेबल स्पून, पानी ऐड करके लिड बंद करके इसको भी 5 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बैंगन करी रेडी हो चुका है। आप भी इस टाइप से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।